नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल के परेड ग्राउंड से पीएम मोदी ने आज भव्य महारैली को संबोधित किया और ममता दीदी के खेला होबे का खेल खत्म करते हुए नजर आए। टीएमसी के कीचड़ की वजह से ही अब बंगाल में कमल खिलने जा रहा है और दीदी का पत्ता साफ 2 मई से पहले ही होता दिखा। जिस तरह लोगों ने अपना साथ मोदी को दिया, उससे साफ है कि दीदी जी की स्कूटी गिर गई है। इस रिपोर्ट में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार साफ। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में आपने चुपचाप कमल छाप से कमाल किया। आपके एक वोट की ताकत कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था, बंगाल से माँ माटी मानुष के लिए काम करने का वादा किया, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या टीएमसी पिछले 10 वर्षों में यहाँ आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने में सफल रही है? माँ मानुष माटी की हालत से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के बाद टीएमसी का खेल खत्म, विकास शुरू। भाजपा को निडर होकर वोट करने की अपील मोदी जी ने की है। यही नहीं, ममता बनर्जी के सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर सबके सामने रख दिए। जिस सोनार बंगला का सपना लिए ममता दीदी वोटों के आस में थी, पर अब वो सपना टूटता दिख रहा है। दीदी ने भाजपा को बाहरी पार्टी कहा था, पर भाजपा ने मिथुन दा को पार्टी में शामिल कर ममता दीदी को करारा जवाब दिया है। साथ ही बंगाल के लोगों से वादा किया है कि अब बंगाल में विकास होगा और दीदी का भ्रष्टाचार खत्म होगा। पीएम मोदी की इस रैली में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया, जिससे ये साफ है कि दीदी का खेला अब खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने एक रैली से बंगाल की जनता का दिल जीत लिया और दीदी को चारों खाने चित कर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि अब बंगाल में दीदी का खेला नहीं, बीजेपी का खेला होगा। बीजेपी को बाहरी कहने वाली ममता दीदी को उसी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।